गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें तीन ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकुएस बर्नियर। हमने देखा कि उन्होंने अपनी बुक्स में क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अलग अलग ट्रैवल रूट्स के बारे में हमने देखा कि कैसे वो लोग ट्रैवल करते थे, और उन्होंने अपने जो चीज़ें उनको पहले से पता थी उनसे उन्होंने इंडियन या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो उन्होंने चीज़ें देखी उनके साथ उन्होंने उन्हें कंपेयर किया। तो इस कंपैरिजन में हमने अल बिरूनी और इब्न बतूता की जो सारी की सारी जो उनको ऑब्जर्वेशंस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फ्रैंकुइस बर्नियर ने जो चीज़ें रिकॉर्ड की हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपका ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा एम है आपको क्लास 12th की हिस्ट्री लाइन बाय लाइन डिटेल में समझाना। अगर आपको कोई भी डाउट रहे चैप्टर के बाद तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो शुरू करते हैं चैप्टर, बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट। जब हमने इब्न बतूता चोज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम बिकॉज ऑफ हिज नोवेल्टी, फ्रैंकुइस बर्नियर ने बिल्कुल अलग किया। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि फ्रैंकुइस बर्नियर, क्योंकि वो फ्रांस से आए और उन्होंने अपनी सारी की सारी राइटिंग्स उस टाइम में जो रूल कर रहे थे किंग, जो कि लुइस 14 थे, उनको डेडिकेट कर दी थी। तो उन्होंने बेसिकली हमेशा ईस्ट को यानी कि इंडिया को कम दिखाया कंपेयर टू वेस्ट या अपने लैंड से। वो सिर्फ कंपेयर कर रहे थे जो इस वक्त इंडिया में चल रहा है, इस वक्त यानी कि जब फ्रैंकुइस बर्नियर इंडिया आए तब, और जो उस वक्त यूरोप की सिचुएशन थी। और क्योंकि फ्रैंकुइस बर्नियर फ्रांस से बिलोंग करते थे तो स्पेसिफिकली उन्होंने कंपेयर किया इंडिया को फ्रांस के साथ जो उस वक्त चीजें चल रही थी, और उन्होंने फोकसिंग ऑन द कंसिडर्ड सिचुएशंस विच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग। हिज आइडियाज सीम्स टू इंफ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने जो बुक लिखी वो बुक फ्रांस में, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी, उसके बाद वो ब्रिटिश, डच और ना जाने कितनी सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने बाद में उस बुक को ट्रांसलेट हुई वो बुक। तो हम देखते हैं कि उनकी बुक काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको भी उन्होंने कंसिडर किया जो फ्रैंकुइस बर्नियर की बुक थी। बर्नियर मुगल एम्पायर में ट्रैवल किया और उन्होंने काफी डिटेल ऑब्जर्व किया उस वक्त, और उन्होंने लिखा जो भी उन्होंने उस ट्रैवल में देखा। उनके अकाउंट्स जो उन्होंने लिखे ऑब्जर्व करके, उनमें हमें डिस्कशंस मिलती हैं ट्राइंग टू प्लेस द हिस्ट्री ऑफ मुगल विद इन द सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री है मुगल्स की उसको वो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में ला सके, वो उनके बारे में लिख रहे हैं। और वो बस हमेशा जो मुगल इंडिया जो उस वक्त रूल हो रहा था, क्योंकि मुगल एम्पायर रूल कर रहा था, तो वो मुगल इंडिया को बेसिकली कंटेम्प्रेरी यूरोप यानी कि उस वक्त के यूरोप से बस कंपेयर कर रहे थे, और सुपीरियोरिटी यानी कि यूरोप को ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी ओपोजिशन वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एज इनवर्स ऑफ यूरोप। उन्होंने हमेशा इंडिया को ऐसे दिखाया कि वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यूरोप तो बहुत ही ज्यादा आगे है। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द परसीव डिफरेंसेस हायरार्कली सो दैट इंडिया अपीयर्ड बी इंफीरियर। मतलब आप कभी भी पॉइंट्स देखोगे तो उन्होंने हमेशा इंडिया को इंफीरियर दिखाया वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे यूरोप से, और टू बी स्पेसिफिक फ्रांस से उन्होंने इंफीरियर दिखाया। अब जमीन जो इंडिया की है उनका कौन ओनर है उसके बारे में जो एक क्वेश्चन, तो अब देखिए बर्नियर के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप, सबसे पहला डिफरेंस जो उन्होंने उनको फील हुआ वो था लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
कि जो फॉर्मर जो मुगल इंडिया है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड जो है वो किंग का है, वो लैंड मुगल एम्पायर के अंडर आता है, लेकिन यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम था। तो ये एक डिफरेंस उन्होंने देखा एंड ही वॉज अ फर्म बिलीवर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड उन्होंने देखा कि क्राउन ओनरशिप यानी कि जो मुगल हैं वो अगर लैंड के ओनर रहेंगे और लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होगी तो वो बड़ा हार्मफुल है स्टेट के लिए और लोगों के लिए भी। ठीक है, ही थॉट दैट जो मुगल एम्पायर है द एम्परर ही सारा लैंड होल्ड करता था और वही डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अकबर हैं या शाहजहां, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में ही आए थे, शाहजहां के टाइम पीरियड में, तो शाहजहां वो ये मान रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये शाहजहां के अंडर आता है और शाहजहां ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो अपने नोबल्स जो उनके सबसे ज्यादा करीबी हैं और नोबल हैं उन्हीं को ही वो ये जमीन दे रहे हैं, और वो कहते थे कि ये इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के लिए ही खराब चीज है। जो ये चीज बर्नियर मान रहे हैं, ये काफी लोग मान काफी जो ट्रैवलर्स 16th और 17th सेंचुरी में आए वो भी यही सोच रखते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, जो क्राउन है यानी कि जो मुगल एम्परर है वही प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। एंड बर्नियर ने कहा कि लैंड होल्डर कुड नॉट पास देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि लैंड सारा क्राउन का है यानी कि एम्परर का है, तो भले ही आप जमीन पे काम कर रहे हो लेकिन आप अपने बच्चों को वो जमीन नहीं दे सकते। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी किसी लैंड पे नहीं करेगा। तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड प्रिवेंटेड इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि आप अपनी जमीन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि मेरी डेथ के बाद ये जमीन रहेगी ही नहीं मेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेंट पे आप एक लैंड ले लो, आपको पता है कि 5 ईयर्स के बाद ये लैंड आपका नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करोगे जो आप 5 ईयर्स में उससे प्रॉफिट गेन कर लो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस लैंड पे नहीं करोगे। तो वही चीज बर्नियर यहाँ पे देख रहे थे कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जबकि यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो उनका लैंड भी बेहतर होता जा रहा था। और उन्होंने ये भी चीज़ देखी कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर है और स्पेशली जो फार्मर्स हैं उन पे बहुत ऑपरेशन पे बहुत अत्याचार किया जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स रहने के रहन सहन डिक्लाइन होता जा रहा है, लोगों की जो जनरल जो जनरल नहीं रूरल क्लास कह सकते हो आप, जो ऑर्डनरी लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड गिरते जा रहे हैं। बस जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है यानी कि जो किंग है जो नोबल्स हैं उनका ही रहन सहन बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हमने ऐसा ये हमने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि हम इब्न बतूता का जब पढ़ रहे थे तो वो तो कह रहे थे कि मार्केट्स बहुत फ्लरिश कर रही हैं, लोग अलग अलग चीजों में मर्चेंट्स अपना ट्रेड कर रहे हैं, कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है, बट बर्नियर बिल्कुल अलग कह रहे थे। बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पावरिश पीपल कहा, सब्जुगेटिंग ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जो पुअर हैं गरीब हैं, बस थोड़े से लोग हैं जो रिच हैं और पावरफुल हैं। और उन्होंने ये कहा कि पुअर और रिच के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, देर इज नो मिडल स्टेट, मतलब रिच और पुअर के बीच में कोई मिडल नहीं है। मिडिल जैसे मिडिल क्लास आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, उस वक्त ऐसा कोई मिडिल स्टेट नहीं है इंडिया में, तो एक बहुत बड़ा गैप बर्नियर ने ऑब्जर्व किया। दिस इज देन इज हाउ बर्नियर सॉ मुगल किंग, उन्होंने ये कहा कि वो यहीं पे ही कोर्ट में नोबल्स के साथ काम करते थे, बट बर्नियर ने कहा कि मुगल किंग बेसिकली बेगर्स और बारबेरियंस, बेगर्स यानी कि भिखारी और बारबेरियन होते हैं जो बस मारते हैं, बारबेरिक लोग कहते हैं उनको, वो उनके ही बस राजा हैं। यहाँ की हवा बहुत ही बेकार है, फील्ड्स पे ओवर स्प्रेड विद बुशेस हर जगह पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्राउडेड ओनरशिप ऑफ लैंड है, एंड बट हमें
ऐसा कुछ भी मुगल ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट सजेस्ट नहीं करते कि स्टेट वॉज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। जैसे कि जो बात बर्नियर कह रहे हैं वो बात हमें जो मुगल ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स हैं वहां से ऐसा नहीं मिलता। जो अबुल फैजल जिन्होंने अकबर नामा 16th सेंचुरी में जो ऑफिशियल क्रॉनिकल अकबर जरीन के टाइम पे लिखा, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों के पास अपनी जमीन थी और वो उनसे रेवेन्यू लेते थे, क्योंकि रूलर उनको प्रोटेक्शन देते थे तो उसके बदले उनको टैक्स देना होता था, एक तरीके से रेंट होता था, लेकिन ओनरशिप लोगों के पास ही होती थी। बट शायद ये बात यूरोपियन ट्रैवलर नहीं समझ पाए एंड उन्होंने इस बात को रेंट ही मान लिया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई होता था, ये तो सच है। तो जब इतना ज्यादा टैक्स होता था और जमीन पे कोई रेंट नहीं होता था, टैक्स जो होता था वो क्रॉप पे होता था, बट क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा होता था तो एक यूरोपियन ट्रैवलर को यही लगा होगा कि ये जमीन का ही टैक्स है और ये बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली ओनर किंग ही है। बर्नियर के जो डिस्क्रिप्शन है वो जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे, क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने हमेशा ईस्टर्न को यानी कि इंडियंस को या जिन भी उन्होंने कॉलोनीज पे रूल किया उन्होंने हमें बहुत कम समझा, तो 18th सेंचुरी में भी जो आप और भी थ्योरिस्ट्स को पढ़ोगे, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आपको दिखेगा कि वो हमेशा एशिया या फिर यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को कंपेयर करते हुए बहुत कम दिखाते थे। ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अब आइडिया फर्दर डेवलप, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया बिफोर कॉलोनिज्म सरप्लस वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, बहुत सरप्लस था, इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी वाज लार्ज एंड ऑटोनॉमस एंड इंटरनली इगैलिटेरियन, इंपीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड, कोर्ट्स होते थे ओवर द विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, जो भी कोर्ट जो एक इंपीरियल कोर्ट होती थी वहां की विलेज कम्युनिटीज उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाता था, और सरप्लस फ्लो ऑफ सरप्लस वाज अनप्रिवेंटेड, दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। तो नहीं कि वहां पे बिल्कुल ऑटोक्रेसी थी, जो भी वो कहते थे वो बात सबको माननी पड़ती थी। हाउएवर रूरल सोसाइटी वाज फार फ्रॉम ट्रू, ऐसा सच में जो यूरोपियन ट्रैवलर या जो वेस्टर्न फियोसफीज ने थ्योरिस्ट्स ने लिखा, हकीकत बहुत अलग थी उससे। 16th और 17th सेंचुरी में रूरल सोसाइटी सोशल और इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन में हिस्सा थी। वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज बिग जमींदार्स जो कि बहुत सुपीरियर राइट्स ऑफ लैंड थे, और दूसरी तरफ अनटचेबल्स थे जो कि लैंडलेस थे। तो रूरल सोसाइटी में दो बिल्कुल अलग तरीके के लोग थे, तो बहुत अमीर जमींदार्स और कुछ ऐसे जिनको छूने से भी मना किया जाता था, अनटचेबल लेबरर्स। सो इन बिटवीन बिग पेजेंट्स हु यूज्ड टू हायर लेबर, जो बड़े पेजेंट्स होते थे इनके पास बहुत बड़ा लैंड होता था तो वो लेबरर्स को हायर कर लिया करते थे, सामान प्रोड्यूस करवाते थे, और जो स्मॉल पेजेंट्स होते थे, छोटे किसान होते थे, वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे, तो वो अपने ही खाने के लिए बस जितना सामान प्रोड्यूस कर पाए वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे। जितना बर्नियर ने प्रोजेक्ट किया मुगल एम्पायर को, हमारा सोसाइटी सिस्टम उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। जैसे कि बर्नियर को ये लगा कि जो आर्टिसंस हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता था कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा स्टेट के पास जाता था, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन। उन्होंने कहा क्योंकि आर्टिसंस को कुछ भी नहीं मिल रहा, उनका सारा का सारा प्रॉफिट स्टेट के पास जा रहा है, तो इसलिए वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेशियस मेटल्स फ्लो होते हैं इंडिया में। अब बताओ ये दो बातें कितनी अलग हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड में, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बड़ा प्रीशियस कीमती मेटल्स इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो उन्होंने, अगर गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में आ रहा है इसका मतलब मर्चेंट कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पर होगी,
ट्रेड दूर दूर तक हो रहा होगा। अगर ट्रेड प्रॉस्पर नहीं होगा तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आएगा? गोल्ड और सिल्वर तो आपको कोई भी नहीं देगा। तो ये दो बिल्कुल अलग उल्टी बातें हैं। अगर ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है तो आपको गोल्ड और सिल्वर कौन देगा? तो ये दो बिल्कुल अलग बातें हम देखने को मिलती हैं हमें बर्नियर के अकाउंट्स में। इनफैक्ट 17 सेंचुरी में 15% ऑफ द पॉपुलेशन टाउन्स में रहती थी, और ये जब आप कंपेयर करते हो ये ज़्यादा है वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में। वहाँ की इतनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में नहीं रहती थी जितनी इस उस वक्त यहाँ पे रह रही थी। मुगल सिटीज में कैंप टाउन्स थे, ओ विच ही मेंट टाउन्स दैट ओन देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल। उन्होंने ये बोला बर्नियर ने कि हमारे जो यहाँ पे, ही बिलीव दैट दीज केम इन टू एग्जिस्टेंस वेन इंपीरियल कोर्ट मूव्ड इन रैपिडली डिक्लाइन वेन इट मूव्ड आउट। एक मिनट, मैंने कुछ मिस करा है। इन स्पाइट ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स। ये 15% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तब भी उन्होंने अर्बन एरियाज को कैंप टाउन्स बोल दिया, यानी कि उन्होंने ये बोला कि ये ऐसी जगह है जहां पे मतलब सर्वाइवल के लिए भी लोग डिपेंडेंट हैं। एंड उन्होंने बोला कि जो सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और सब चीजों के लिए किंग पे या पैटर्नी जो राजा दे देता है बस उसी पे ही सब डिपेंडेंट हैं। जबकि ये सच नहीं था। जब हमने इब्न बतूता को भी पढ़ा, यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट्स थी, ट्रेड हो रहा था, और इवन बर्नियर ने खुद ही बोला कि हमारे यहाँ पे ट्रेड के कारण गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि लोग डिपेंडेंट थे, बट उन्होंने इसी तरीके से चीजों को लिखा। अब एक लैंड ओनरशिप पे भी क्वेश्चन आया कि बर्नियर ने कुछ ज्यादा ही सिंपल पिक्चर दे दी। उन्होंने ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, सेक्रेट टाउन, आपको पता है जहाँ पे कोई चीज़ें बन रही हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग टाउन कहेंगे, जहाँ पे व्यापार हो रहा है ट्रेडिंग टाउन, जहाँ पे सी है उसे पोर्ट टाउन कह देंगे, सेक्रेट टाउन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, सेक्रेट टाउन्स, पिलग्रेमेज टाउन्स, देयर एग्जिस्टेंस इन द इंडेक्स ऑफ प्रोस्पैरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल क्लासेस। ये बातें कि अलग अलग तरीके के टाउन्स थे, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, लोग ट्रैवल कर रहे थे, और बहुत सी चीज़ें जो मर्चेंट कम्युनिटी और प्रोफेशनल क्लासेस को एक तरीके से प्रॉस्पर कर रही थी, ये सब बातें उन्होंने लिखी ही नहीं। मर्चेंट्स जो होते थे वो ग्रुप्स में उनके टाइज होते थे, जैसे कि हमने पहले शील्ड ऑफ गिल्ड्स भी पढ़ा था, तो उनकी ऑर्गेनाइज होते थे इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। वेस्टर्न इंडिया में इन ग्रुप्स को महाजन्स कहा जाता था और इनके चीफ्स को सेठ कहा जाता था। आज भी ये कास्ट आपको सुनने को मिलेंगी, महाजन और सेठ। तो इस तरीके की कास्ट और अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, द महाजन्स, वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ्स ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज नगर सेठ। तो आप देख सकते हो कि जो मर्चेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे, और वो एक प्रॉपर उनकी ग्रुप्स थे जिनमें वो काम कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो राजा के ही बिल्कुल डिपेंडेंट है उन पे और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दैट इज सो नॉट ट्रू। अदर अर्बन ग्रुप्स, ये तो मर्चेंट्स की बात हुई, कुछ प्रोफेशनल क्लास जैसे कि फिजिशियंस, हमने अभी भी देखा था कि बर्नियर शाहजहां के कोर्ट में उनके जो एल्डर सन थे उनके फिजिशियन थे, तो वहां पे हाकिम और वैद उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, टीचर्स, पंडित और मौलाना इनकी भी बहुत वैल्यू थी, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस। हमने देखा था कि मार्केट्स में स्पेसेस होती थी जहाँ पे आर्टिस्ट अपने म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस करते थे, कैलीग्राफर्स। वाइल कुछ ऐसे भी होते थे जो किंग की पैटर्नी या फिर किंग अगर कुछ दे दे उनको तो उस पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन स्टिल अदर्स सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल। मार्केट्स और बाजार्स में भी इन चीजों का, क्योंकि काफी सारे रिच लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, इमेजिन 15% ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, तो ये सारे प्रोफेशनल्स
उन्हें भी सर्व करते थे। नॉर्मल लोग भी अपनी कभी कभी पेंटिंग्स बनवाते थे, लोग अपने बच्चों को टीचर से पढ़वाया करते थे। ऐसा नहीं है कि हर सिर्फ नोबल या किंग ही इन सब लोगों को काम देते थे, ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी ये लोग काम किया करते थे। तो बर्नियर की बातें बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो कि उन्होंने जो कहा वो हकीकत में वैसा नहीं चल रहा था। अब जो भी ट्रैवलर्स आए वो मोस्टली मेन होते थे, आपको बहुत कम ट्रैवलर अकाउंट्स मिलेंगे जो वुमेन के मिलेंगे। एंड वो वुमेन की कंडीशंस जो सब कॉन्टिनेंट पे ने थी, उन्होंने उसके बारे में भी लिखा है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी थी मेन और वुमेन में, जो कि नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर माना जाता था कि वुमेन वीक मानी जाती थी और मेन को स्ट्रांग माना जाता था। अब सबसे पहले अगर हम स्लेव्स की बात कर लें तो स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर से, जब इब्न बतूता सिंध आए तो उन्होंने हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स भी परचेज किए जब वो सुल्तान को गिफ्ट देना चाहते थे, क्योंकि आप किंग के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने स्लेव्स भी खरीदे थे जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने जा रहे थे। और जब वो मुल्तान पहुंचे तो ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव एंड अ हॉर्स। तो देख सकते हो आप कि स्लेव्स भी एक तरीके से गिफ्ट के तौर से दिए जाते थे, और उन्होंने कुछ रेजिन्स और एलमंड्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स भी दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज सो हैप्पी जब उन्होंने सुना, और उन्होंने अपनी खुशी से उनको 100,000 तंकास कॉइन्स और 200 स्लेव्स दे दिए। तो आप देख सकते हो कि उनको कितने ज्यादा स्लेव्स का ट्रेड उस टाइम पे चल रहा है। तो ये सब बातें हमें इब्न बतूता के अकाउंट से पता चलती हैं, और दिखता है कि मतलब देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग द स्लेव्स। स्लेव्स में भी कैटेगरीज होती थी, कुछ फीमेल स्लेव्स होती थी जो सुल्तान के सर्व करती थी, म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस करती थी। इब्न बतूता ऑल्सो इन्जॉयड दीज परफॉर्मेंसेज सुल्तान सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे। तो ये इब्न बतूता के अकाउंट से ही हमें पता चल सकता है। और कुछ फीमेल स्लेव्स किंग इसीलिए भी इम्प्लॉय करते थे कि वो नोबल्स पे नजर रख सके, एक तरीके से जासूस का काम कर सके। स्लेव्स एक तरीके से डोमेस्टिक लेबरर्स घर का काम करने के लिए होते थे। इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विसेज पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल फॉर कैरिंग वुमेन एंड मैन इन पालकी या डोला डोला। तो जैसे लोगों को पालकी में लेके जाना होता है, स्पेशली वुमेन एक तरीके से इस तरीके की कुछ पालकी सी बनी होती है, तो उसको स्लेव्स कैरी करते थे। प्राइस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स, क्योंकि वो डोमेस्टिक काम करती थी तो उनका प्राइस थोड़ा कम होता था। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो अफोर्ड कर सकते थे वो एटलीस्ट एक या दो स्लेव्स तो रखते ही थे। और जो यूरोपियन ट्रैवलर्स जब उस टाइम पे आए तो उन्होंने इस बात को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि किस तरीके से वुमेन को वेस्टर्न और यूरोपियन सोसाइटी, यानी कि यूरोप के एरियाज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितना अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो बर्नियर ने भी इस बारे में लिखा, और उन्होंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उन्होंने डिटेल में लिखी वो थी सती प्रथा, जो हमारे यहाँ पे उस वक्त चलती थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे वुमेन सीमिंगली इम्ब्रेस कर लेती थी डेथ, ऐसा नहीं था, उन्हें कितनी बार फोर्स भी करा जाता था कि उनको अपने हस्बैंड की डेथ में, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी आग में खुद को भी, मतलब उनको भी मरना पड़ेगा। तो वुमेन्स लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड मच एज बिसाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो उनकी लेबर क्रूशियल था, वुमेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि खेती वगैरह में भी काम करती थी, और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे कि घर का काम करना और बाकी सब कामों में भी वुमेन काम किया करती थी। जो मर्चेंट फैमिली या थोड़ी रिच फैमिलीज में जो वुमेन होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी कमर्शियल एक्टिविटीज में, और मर्चेंटाइल डिस्प्यूट्स, अगर कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए तो कोर्ट में उनमें भी वो पार्ट लिया करती थी। तो हम ये नहीं कह सकते हमेशा कि वुमेन हमेशा प्राइवेट स्पेसेस या घरों में ही कैद थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का भी काम कर रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वुमेन सिर्फ घर की चार दीवारी में प्राइवेट स्पेसेस में ही कैद थी। तो कुछ वुमेन बाहर जाके पार्टिसिपेट भी कर रही थी, काम भी करती थी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्नियर ने क्या क्या टॉपिक्स मेंशन किए हैं, तो आप सबसे पहले तो लैंड ओनरशिप की बात करोगे कि उन्होंने कहा कि मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है, ये सब यहाँ पे तो उन्होंने कंपेयर किया बैटरी। सेकंड हम देखेंगे उन्होंने सती प्रथा और उन्होंने स्लेव्स के बारे में मेंशन किया। थर्ड उन्होंने ट्रेड के बारे में भी मेंशन किया कि कैसे यहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेड जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो किंग है उन्होंने कहा कि जो मुगल किंग है वो बेसिकली बेगर्स और बारबेरियन भिखारियों के, और जंग जो बारबेरियंस होते हैं बेसिकली वो किसी को मार देते हैं, लूटते हैं, तो वो बारबेरियंस और उनके किंग हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुगल्स, मुगल एम्पायर और मुगल किंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। और अगर आपको इब्न बतूता और बर्नियर को कंपेयर करना भी आ सकता है, तो उसमें आप कहोगे कि इब्न बतूता ने हमेशा फ्लरिश और एक्साइटमेंट, जो चीजें उनको एक्साइट की, जैसे कि उन्होंने पान और कोकोनट के बारे में बताया, लेकिन बर्नियर ने बिल्कुल हमेशा बस वेस्ट को और ईस्ट को कंपेयर किया। दैट टू हमेशा वेस्ट को अच्छा दिखाया और ईस्ट को नॉट सो गुड। तो आप ये चीज कंपैरिजन कर सकते हो कि कैसे इब्न बतूता और बर्नियर ने दिखाया। और इब्न बतूता का भी आप स्लेव्स वाला पॉइंट लिख सकते हो, कैसे उन्होंने स्लेव्स खरीदे थे किंग मोहम्मद बिन तुगलक के लिए और उनको भी स्लेव्स मिले थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अकाउंट आप आंसर लिख के बाद में आप ये कंक्लूजन दोगे कि क्योंकि ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, जो चीज़ें उनको पता थी उनके थ्रू उन्होंने इस अननोन, जो इस कंट्री में आए या सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने उनको कंपेयर करके यहाँ पे लिखा। तो हिस्टोरियंस को एक न्यूट्रल व्यू बना के कंपेयर करना पड़ता है और हर चीज़ को समझना पड़ता है। तो इससे करके आप सारे आंसर्स की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। तो इसमें से जो भी इस पार्ट में से क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि आपका बन सकता है, तो आप उसमें, पर अगर आपको इब्न बतूता आए तो आप पान और कोकोनट को तो पक्का मेंशन कर देना, क्योंकि उनको ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग लगी थी। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 5, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। और थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स जब हम देख रहे हैं तो हम उसमें अपना भी एक न्यूट्रल एस्पेक्ट डाल रहे हैं। अगर आप बर्नियर का क्वेश्चन लिखोगे तो आप उसमें लिखोगे कि एक्चुअल में हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि यहाँ पे 15% ऑफ पॉपुलेशन तो अर्बन एरियाज में रह रही थी, यहाँ पे तो जो मर्चेंट्स ट्रेड कर रहे थे उसके कारण गोल्ड और सिल्वर ट्रैवल मतलब फ्लो कर रहा था हमारी कंट्री में, तो हमारे यहाँ पे तो ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। और ऐसा नहीं था कि मर्चेंट्स बस किंग की ग्रांट के लिए ही वेट कर रहे थे, उल्टा मर्चेंट्स की तो अपनी कम्युनिटीज बनी हुई थी और जो कि काफी ज्यादा फ्लरिश भी कर रही थी। तो आप कंपैरिजन करते हुए अपने आंसर्स को लिखना, तो उससे आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके पॉइंट्स भी बहुत क्लियर और अच्छे बनेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 5। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो मैं एक वीडियो एंड में बना दूंगी जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि आप कैसे क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।